हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए ये वीडियो आपको आसान कर देगा कि कौन से सेक्टर के आप स्टॉक्स चूज कर सकते हो बजट 2019 के बाद। देखिए बजट आया ज़रूर है, ये फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 का ये फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है इसका बजट है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई हैं और काफ़ी स्टॉक मार्केट को बड़ा झटका लगा है इस बजट से। जैसा कि आप जानते ही हो, अलग अलग तरीके से, जैसे आईटी सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है बायबैक पे टैक्स है, और दूसरा कि भाई जिनकी प्रोमोटर की होल्डिंग जो है 75% के आसपास थी उनको वो भी कम करनी पड़ेगी, 65% तक लानी पड़ेगी, क्योंकि 35% तक पब्लिक को शेयर्स बेचना मिनिमम, 35% तक जो 25% था पहले वो कर दिया गया। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आई हैं। तो चलिए जानते हैं इन कुछ पॉइंट को कि क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, कहाँ से आप सेक्टर्स स्टॉक्स को चूज कर सकते हो। तो इन सब पॉइंट्स को फोकस करते हैं इस छोटे से वीडियो में। स्टार्ट करता हूँ मैं, ये देखिए सबसे पहले अगर हम देखें गोल्ड, आपने देखा होगा कि भैया इसके ऊपर 2% का ड्यूटी बढ़ गया है, तो ये महंगा हुआ है। यानी कि जब गोल्ड यहाँ पे महंगा हुआ है, इम्पोर्ट इसका महंगा हुआ है, तो जो भी आपके ज्वेलरी के शेयर्स हैं, ज्वेलरी बनाते हैं कंपनीज है, वो सारी चीज़ें आपकी इम्पैक्ट होंगी। तो आप ध्यान रखें, उन सेक्टर्स की कमाई में थोड़ा फ़र्क ज़रूर देखने को मिल सकता है, उनकी बिक्री में थोड़ा फ़र्क ज़रूर देखने को मिल सकता है अभी शॉर्ट टर्म में, लेकिन बाद में सबको आदत पड़ जाती है तो उसी तरीके से इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो एक्स्ट्रा सेस लगाया गया है, वो आप इसको क्लियरली ध्यान रखें, और इसकी वजह से आपकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जैसे HPCL, BPCL भैया, और आप मतलब उनको तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होगा वह कस्टमर को होगा। क्योंकि पैसा कौन दे रहा है? कस्टमर दे रहा है भैया, कस्टमर जो खरीद रहा है तो वो पैसा दे रहा है। ये तो मैं कहूँगा बहुत, मतलब इतना अच्छा ये बिल्कुल, ऑल दो पेट्रोल या डीजल 70-80 रुपये के आसपास हो ही चल रहा है, और ऊपर से तुम 1-2 रुपया और बढ़ा दो इस तरीके से, सीधे बजट में बढ़ा दो, तो ये मुझे तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, खास करके पेट्रोल और डीजल में। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स पे जो है थोड़ा सस्ता किया है, थोड़ा इंसेंटिव दे रहे हैं, थोड़ा सा टैक्स रिबेट दे रहे हैं, तो वो बढ़िया स्टेप ज़रूर है। अब बात आती है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस देखिए, ये तीनों चीज़ें तो महंगी हुई, इंश्योरेंस भैया सस्ती होने वाली है। इंश्योरेंस में सबसे पहले देखिए 100% FDI जो आप यहाँ पे वो बजट में आया है कि 100% FDI, तो उसकी वजह से इंश्योरेंस के स्टॉक्स को बहुत बढ़िया फ़ायदा होने वाला है। भाई इंश्योरेंस के स्टॉक्स को ज़रूर ध्यान दें, अब आने वाले टाइम में इंश्योरेंस के स्टॉक्स पे नज़र बनाए रखें, अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है इन स्टॉक्स पे। दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रिक कार, जो कंपनीज इलेक्ट्रिक कार पर फोकस कर रही है, जैसे कि अभी टाटा मोटर्स का टिगोर इन्होंने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करी है, इस तरीके से महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार पे काम कर रहा है, जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक कार पे काम कर रही है और बेच रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार पे गवर्नमेंट ने जो आपके एक्स्ट्रा जो आपको सब्सिडी दे रही है, उसके साथ साथ जो अभी इन्होंने इनकम टैक्स में भी 1.5 लाख की छूट की है। अपने आप ये देखिए, अगर किसी ने लोन लिया है जो 5 साल का लोन नहीं लेगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट पे अगर वो लोन लेके गाड़ी लेता है, सपोज़ उसने 6 लाख की गाड़ी ली और 2 साल के हिसाब से ली, उसने कहा भैया मैं 2 साल के हिसाब से 3-3 लाख करके दे दूंगा, तो इसमें स्टार्टिंग में उसको टैक्स बहुत देना पड़ेगा, तो 3 लाख करे या ज़्यादा करे जो भी उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो उसके ऊपर उसको सपोज़ वो 30% के ब्रैकेट में आता है तो उसको 15-45 हज़ार का सीधे सीधे फ़ायदा है इलेक्ट्रिक कार लेने में पर ईयर का, उसके बेसिस पे उसको फ़ायदा होता रहेगा। वो सीधे अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके वो बंदा अगर 12-13 लाख की स्लैब में है, तो वो आता आता 5 लाख तक अगर अपने स्लैब को ले आता है, तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा, 0 टैक्स उसको देना पड़ेगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक कार का। तो इसीलिए ध्यान रखें उन शेयर्स पे, जैसे कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कार जिनकी गाड़ियां लॉन्च हो रही है, तो उनकी बिक्री में फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। और दूसरी बात हाउसेज, जो कंपनीज घर बना रही हैं, जो रियल इस्टेट के हैं, जो घर बना रहे हैं, और यहाँ पे कुछ क्लॉज है जो 45 लाख रुपए तक का, इस क्लॉज को ध्यान रखें, कभी आप यहाँ पे उछलने लग जाए कि भैया मैंने लोन लिया है, मैंने कुछ वो किया है, तो आपको फ़ायदा है कि नहीं किया। इसलिए मैं कहूँगा बारीकियों से देखें, जैसे यहाँ पे एक लिमिट दी है 45 लाख की, आपकी घर की कीमत मात्र 45 लाख होनी चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा वो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला। जो आपको यहाँ पे दो तरीके से फ़ायदा है, एक तो ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आपको 2.5 लाख के आसपास मिल जाता है, और दूसरा यहाँ पे आपको टैक्स रिबेट जो बढ़ा दी गई है, जो 2 लाख के इंटरेस्ट पे है वो 3.5 लाख का इंटरेस्ट कर दिया गया है, तो वो दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा इन चीज़ों को ध्यान रखें, बारीकियों से नज़र डालें अगर आप फायदे में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तीसरी चीज़ PVC पाइप, जो PVC पाइप है वहाँ पर उनको कॉस्ट डियर कर दिया गया है, तो ये मैं कहूँगा दिस इज़
एक बहुत ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं था यहाँ पे पीबीसी पाइप को जो महंगा कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हो एग्रीकल्चर एंड और यहाँ पे पीबीसी पाइप का काफ़ी यूज हो रहा है, बट यहाँ पे उनको कॉस्टलियर कर दिया गया है, तो वो कंपनी जो ये पीबीसी पाइप बनाती हैं उनको यहाँ पे झटका लगने के चांसेस हैं, क्योंकि कस्टमर के जेब से ज़रूर जा रहा है लेकिन उनके भी सेल्स में यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात आती है इम्पोर्टेड बुक्स की। हाँ, ये अच्छा स्टेप है कि इम्पोर्टेड बुक्स को आप यहाँ पर नीचे कर रहे हो ताकि इंडिया के अंदर की ही किताबें आपकी चलें, इंडिया के अंदर ही उन किताबों को पब्लिश किया जाए, तो वो बढ़िया बात है। यहाँ पे इम्पोर्टेड बुक को कॉस्टलियर जज किया गया, तो नो डाउट इसमें कोई एज सच इशू नहीं है। यहीं पे अगर मैं आगे आप बात करता हूँ ऑटो पार्ट्स की, तो ऑटो पार्ट्स जो इंपोर्ट हो रहे हैं वो कॉस्टलियर कर दिए गए हैं, जो कि यहाँ से इंपोर्ट वाले अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है तब तो सही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर की भी कॉस्टलियर होने जा रहा है। ये देखिए टाइल्स, टाइल्स भी कॉस्टलियर होने जा रहे हैं, विनाइल फ्लोरिंग। देखिए एक तरफ तो हाउसिंग को सस्ता कर रहे हैं, ऊपर से टाइल्स और विनाइल फ्लोरिंग, ये सारी फ्लोरिंग जो लग्जरी वाली वो हैं इनको महंगा कर रहे हैं। तो भैया किस तरीके से इनका इम्पैक्ट भी तो हाउसिंग सेक्टर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये मुझे लगा कि हाँ भाई, एक तरफ से आप सस्ता कर रहे हो, दूसरी तरफ से जो रॉ मटेरियल है उनको एक्स्ट्रा चीज़ों को इनको महंगा कर रहे हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डर, आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डर्स को महंगा कर रहे हो, सीसीटीवी कैमरेज को महंगा कर रहे हो, तो ये काफ़ी नेगेटिव मैं कहूँगा। सीसीटीवी कैमरे आपको सस्ते करने चाहिए, इन पे तो आपको सब्सिडी देनी चाहिए ताकि यहाँ पे हर जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, और आपका जो क्राइम है कुछ भी हो आपका रिकॉर्ड हो, एटलीस्ट आप यहाँ पे महंगे कर रहे हो भाई, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। अब डिफेंस इक्विपमेंट, ये बहुत बढ़िया है इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर डिफेंस ज़रूर है कि मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है, फिर भी इंडिया बहुत सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट करता है, तो डिफेंस इक्विपमेंट को इम्पोर्ट करेगा तो ये सारी चीज़ें सस्ते में पड़ेंगी। दूसरी स्प्लिट एसी, भैया स्प्लिट एसी अगर ये देखिए, ये भी मैं कहूँगा एसी अगर आपको महंगा करना ही है तो पूरे ही एसी खाली स्प्लिट एसी पे जोर दिया जा रहा है, और लोगों को कहा जा रहा है कि विंडो एसी लो, स्प्लिट एसी को महंगा कर रहे हो, ये भी भाई थोड़ा सा कस्टमर की जेब में, क्योंकि आजकल घर घर में एसीज लगते हैं और यहाँ पे स्प्लिट एसी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे फिर इन एसी के जैसे वोल्टाज हैं इन एसी के स्टॉक्स में इम्पैक्ट जरूर आएगा। वूल फाइबर सस्ता हुआ है तो फाइबर सस्ता है तो इसके स्टॉक्स में यहाँ पे फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं। सिगरेट थोड़ा बहुत बढ़ाए गए हैं तो इससे आईटीसी को पहले झटका लगा था और स्टॉक 270 280 से गिर के, क्योंकि सिगरेट भैया आईटीसी चैंपियन शेयर है सिगरेट का, तो एक बार सीधे 268 267 के लेवल पर आईटीसी आ गया था, फिर थोड़ा सा रिवाइव किया। और ये काजू जो इम्पोर्टेड काजू हैं ये भी यहाँ पर महंगे हो रहे हैं, और मेटल फिटिंग्स ये भी महंगी हो रही हैं, सिल्वर चांदी चांदी सोना सब महंगा, इवन बैंकिंग के जो सर्विसेज हैं तो बैंकिंग सर्विसेज में भी थोड़ा सा यहाँ पे महंगापन देखने को मिलेगा, तो मैं कहूँगा। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कैश विड्रॉल है 1 लाख से ऊपर के, तो छोटा रिटेल इन्वेस्टर या छोटा लोग तो कोई इतना बड़ा कैश विड्रॉल करता नहीं है 1-1 लाख से, लेकिन यहाँ पे जो भी कैश विड्रॉल करेगा 1 लाख से ऊपर की, तो उसको आपने देखा होगा कि 2% TDS लगेगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फोकस किया काफ़ी कुछ चीज़ों पे, और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ शेयर्स भी दिखाना चाहता हूँ, ये तो आपने देखे भी क्या सस्ता क्या महंगा, तो आप ये देखिए यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स के अगर आप डिटेल देखोगे तो यहाँ पे देखिए। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो कुछ पॉइंट मिसिंग थे स्टॉक मार्केट से जो डायरेक्टली इंपैक्टेड है, जैसे कि आईटी शेयर्स, इनको बड़ा झटका लगा है क्योंकि इनका बायबैक का रूट में टैक्स लगा दिया गया है, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो ऑलरेडी था उसके थ्रू ये अब जाएंगे, चांसेस ऐसे ही हैं। और दूसरा आप ये देखिए यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्शन हाउसिंग की बात करोगे, तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी हाउसिंग कंपनीज हैं जिनको फ़ायदा मिल सकता है आने वाले टाइम पे, बट यहाँ पे 45 तक की लिमिट है, तो ये फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिल सकता, ये भी हो सकता है क्योंकि 45 लाख तक की ही लिमिट है, उसके बाद फिर इनको अपना उसके बाद फिर इनको यह है कि जो लग्जरी सेगमेंट के ये बनाते हैं तो उन पे फिर हाउसिंग लोन में जो है रिबेट है वो नहीं मिल पाएगी, वो सेम ही रहेगी। तो ये देखिए अगला अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन रियल इस्टेट के स्टॉक्स हैं, DLF, एम्बेसी ऑफिस, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इनको इतना खास वो नहीं है, जो हाउसिंग सेक्टर के स्टॉक है उनको ज़रूर फ़ायदा यहाँ पे हुआ है। दूसरी बात आती है यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड एंड जैसे पीसी ज्वेलर, राजेश एक्सपोर्ट्स, भैया जो ये इंपोर्ट करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं उसको तो सही बात है, जैसे राजेश एक्सपोर्ट ये तो एक्सपोर्ट करता है, जो इंपोर्ट करते हैं उनको ज़बरदस्त नुकसान झेलना पड़ सकता है यहाँ पे, जो कि इधर उधर से बाहर से सुन, देखिए पूरा स्टॉक इवन राजेश एक्सपोर्ट्स क्योंकि ये पूरा ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट करता है, अदरवाइज सारे स्टॉक्स बिल्कुल लाल हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको और स्टॉक दिखाऊँ, तो देखिए
इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के शेयर, जहाँ पे जो एसी एंड ऑल बनाते हैं उनको झटका लगा है, क्योंकि भाई एसी एंड ऑल बनाते हैं झटका तो लगेगा ही। दूसरी चीज़ ये बात है, देखिए भारत इलेक्ट्रिकल एंड ऑल, देखिए भारत इलेक्ट्रिकल को भी अच्छा झटका लगा है यहाँ पे। तो बहुत मतलब किसी को फ़ायदा हुआ है तो किसी को नुकसान हुआ है। अगर आप देखेंगे हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स को तो बहुत बढ़िया फ़ायदा होने वाला है। इवन अगर यहाँ पे देखें, मतलब पूरा मैं कहूँगा कि रबर के स्टॉक्स जिस तरीके से हैं, इनको जो इम्पोर्ट पे, कहीं पे इम्पोर्ट पे, कहीं पे एक्सपोर्ट पे, कहीं पे देखिए अभी आईफोन जो सिंगल ब्रांड रिटेल है उसमें एफडीआई बढ़ा दी गई है, तो वो चीज़ें हैं। पूरा मैं कहूँगा ओवरऑल स्टॉक मार्केट ने इसका रेस्पॉन्स तो अच्छा दिया नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिर गई। लेकिन अब यह कि अगले हफ्ते में काफ़ी कुछ पता चलेगा कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स का रेस्पॉन्स इस बजट के ऊपर रहता है। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें कि कहाँ पे फायदा हो सकता है, कहाँ पे नुकसान हो सकता है, तो उसके बेस पे आप स्टॉक्स चूज कर सकते हो अपने। वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और आपकी अपनी राय, कुछ फाइंडिंग आपकी होंगी कि आपको क्या फ़ायदा लगा, तो जरूर बताएं कमेंट के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।